मास्टरिंग से पहले मास्टरिंग के बाद अब में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप मास्टरिंग कैसे करते हो। एंड मैंने प्रीवियसली वीडियोस में भी बता रखा है कि मैं आइसोटोप ओजोन का ही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा अपनी मास्टरिंग चेन कि मैं किस तरीके से मास्टर करता हूं अपने ट्रैक्स को, बीट्स को। यहां पर हमारे पास एक ओल्ड स्कूल बूम बैप टाइप बीट है एंड रिसेंटली मैंने इस बीट का ट्यूटोरियल भी बना रखा है, तो आपको उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्दो इस बीट की मिक्सिंग काफी ज्यादा अच्छी हो रखी है एंड आप वेव फॉर्म को भी देख सकते हो जो कि काफी ज्यादा लाउड है, बट मेक श्योर जब भी आप मास्टरिंग के लिए अपना ट्रैक को ले जा रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट 5 या 6 डीबी का हेडरूम बचा हुआ हो, जिससे मैंने इसको -5 डीबी का हेडरूम दे दिया है। तो यहाँ पर मैंने पहले से इसकी मास्टरिंग कर रखी है, बट हम फिर से लोड करेंगे ओजोन 11 को। मैं यहाँ पर हमेशा ओजोन के AI को पहले काम करने देता हूँ, मैं बीट को प्ले कर देता हूँ। ऑलरेडी वो पंच, वो क्रंच बीट में आ चुका है। हालांकि हमारा ट्रैक मिक्स हो चुका है, बट मैं एक चीज जो मैं हमेशा करता हूँ एंड सभी लोग करते हैं वो है कि अपने ट्रैक को अलग अलग रेफरेंस डिवाइसेस पर सुनना एंड उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मोबाइल। तो मुझे अपने मोबाइल में इस ट्रैक को सुनने के लिए पहले इसको एक्सपोर्ट करना होगा, उसके बाद इसमें टाइप सी के थ्रू सेंड करना होगा, उसके बाद मैं अपने मोबाइल में सुन सकता हूँ। बट इसका एक बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन आ चुका है। यहाँ पर हम एक प्लगइन को यूज करने वाले हैं विच इज मिक्स टू मोबाइल सेंडर एंड मैंने इसकी ऐप को अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर रखा है एंड यहाँ से इसने ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दिया। ये बहुत ज्यादा फास्ट है एंड अभी मैं अपने मोबाइल पर इस ट्रैक को सुन सकता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू। यहाँ पर मैं इसको अपने पास थ्रू को म्यूट कर देता हूँ ताकि मेरे स्टूडियो मॉनिटर से आवाज ना आए और मैं अपने मोबाइल पर सुनता हूँ इसे। जस्ट मुझे स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करना है। ओके, तो मैं फील कर रहा हूँ कि बेस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आ रहा है। तो ये जो चीज है ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आई कि मुझे बार बार एक्सपोर्ट करके अपने मोबाइल में सेंड करके बार बार उसे सुनना नहीं पड़ता। अगर कोई चीज मुझे खराब लगती है तो मैं एकदम से भी सुन सकता हूँ और इसी पर मैं मिक्स भी कर सकता हूँ एक्चुअल में। ओके, मोबाइल पर मैं काफी हद तक सुन सकता हूँ कि क्या हो रहा है। मच क्लीनर। थोड़ा डल साउंड कर रहा है। इवन मैं इस ट्रैक को अपने मोबाइल पर ही सुनकर भी मिक्स कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज मुझे लगी जब मैंने इसको ट्राई आउट किया। ये बहुत ही इजिली आपके कनेक्ट हो जाता है डॉ के साथ। जस्ट आपको अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट को ऑन करना है एंड अपने लैपटॉप में वाईफाई को एंड ये आपके म्यूजिक को स्ट्रीम करना शुरू कर देता है। आपको करना क्या है, जस्ट आपको गूगल पर जाना है एंड मिक्स टू मोबाइल लिखना है। साउंड ऑन डिजिटल की तरफ से ये आपको सॉफ्टवेयर मिलता है। यहाँ पर आपको फ्री 30 डेज का ट्रायल मिलेगा, आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे खरीद भी सकते हो एंड आप इसको macOS, विंडोज, iOS एंड एंड्रॉइड पर यूज कर सकते हो। तो मुझे तो पर्सनली ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज लगी क्योंकि ये चीज मेरे मिक्सिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर मुझे लगता है कि किक थोड़ी सी फट रही है या फिर उसमें कुछ अजीब सी साउंड आ रही है तो आप उसको इजीली कर सकते हो एंड आपको बार बार चेंज करने के बाद फिर से एक्सपोर्ट करके सेंड नहीं करना पड़ेगा। आप लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू इसको सुन सकते हो अपने ट्रैक को एंड इसके AI ने इसे R&B एंड सोल टाइप बीट समझा है, बट हम यहाँ पर हिप हॉप एंड रैप में इसे डाल देंगे। हम देखेंगे कि इसने क्या क्या चीजें कर रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसीज थी EQ में वो इसने थोड़ी सी बूस्ट अप कर दी। हालांकि मैंने कट कर रखी है मेन ट्रैक से एंड यहाँ पर बूस्ट करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उनमें। एंड यहाँ पर थोड़ी सी हाइज को इसने ट्रिम डाउन किया है, जो कि मैंने बताया था जो मैंने पहले इसकी मास्टरिंग की है मैंने सिमिलर वहां पर भी हाइज को थोड़ा सा कम कर रखा है। और यहाँ पर इमेजर का यूज हुआ है। अब इमेजर में हम देखते हैं कि जो स्टीरियो सेपरेशन है वो कैसे काम करती है। जैसे कि मैंने बताया मास्टरिंग में सिर्फ एक प्लगइन ऐड करने से कुछ नहीं होता, यहाँ पर इक्वलाइजर यहाँ पर मिलता है आपको, रिबैलेंस, डायनामिक EQ, मैक्सिमाइजर, कंप्रेशन वगैरह सब कुछ इसी के अंदर मिल जाता है आपको। और ये वाला प्लगइन अभी रिसेंटली FL Studio की सेल में 85% ऑफ तक गया था एंड इसके साथ और भी प्लगइन्स मिल रहे थे, तो उसी सेल में मैंने इसे ग्रैब किया था। अभी हम सुनते सुनते इसकी मास्टरिंग करते हैं क्योंकि जो इसने इसकी स्टीरियो सेपरेशन की है वो मेरे हिसाब से जो मुझे पसंद लगता है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि हमें जो लोज होते हैं को हमें बिल्कुल मोनो साइड में रखना है ताकि वो बिल्कुल सामने से सुनाई दे एंड लोज यहाँ पर हम बिल्कुल -100 कर देंगे। इस
इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए वो काफी ज्यादा वाइड हैं, तो हम थोड़ा सा मिड फ्रीक्वेंसीज को भी थोड़ा मोनो की साइड ले जाने की कोशिश करेंगे। इसको हम एक एक करके भी सुन सकते हैं। तो इस बीट की स्टीरियो सेपरेशन इसके इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से कुछ इस टाइप की रहेगी, क्योंकि जो बेस फ्रिक्वेंसी है उनको हमें मोनो ही रखना है, मोस्ट ऑफ द टाइम मोनो ही यूज होती हैं। जो आपका किक एंड बेस होता है उसको आप मोनो में ही रखते हो। इसमें जो लो मिड फ्रिक्वेंसीज है यहाँ से 100 हर्ट्ज से लेकर आई थिंक 2 kHz तक, तो उसको भी हमने थोड़ा सा स्लाइटली सा मोनो साइड रखा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वाइड है। अगर वाइड नहीं होती तो शायद से मैं इसको वाइड कर देता। यहाँ पर हमारी 2K से लेकर जो 10K तक की फ्रिक्वेंसीज है उनको हमने थोड़ा सा वाइडनिंग दी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जब वोकल्स भी एड होंगे बाद में जब कोई स्पीड पर रैप या ट्रैक बनाएगा उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो थोड़े से वाइडर हमने यहाँ पर एंड में 10K से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हमने जरा सा लिटिल बिट थोड़ा सा वाइड किया है क्योंकि इसमें पहले से काफी ज्यादा वाइडनिंग हो रखी है। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टेबलाइजर यूज हुआ है। इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जब भी इसको सुनता हूँ कुछ मुझे ज्यादा खास फर्क नहीं महसूस होता इसका, बट ये एक्चुअल में क्या करता है, एक डायनेमिक EQ के जैसे ही काम करता है बट स्मूथ वे में। देखता है कौन सी फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करना है, कौन सी को शेप करना है। कहीं कहीं पर ज्यादा ही डायनेमिक्स ऊपर नीचे हो रहे हैं तो ये उसको स्मूथ करता है, लाइक सूथ 2 जो प्लगइन है उसके जैसे ही। उसके बाद डायनेमिक EQ इसने फाइंड किया है कुछ विसल्स, उनको इसने कट डाउन किया है। मैं हमेशा से एक चीज करता हूँ यहाँ पर अराउंड 250 हर्ट्ज जैसे यहाँ पर पहले से हो रखा है, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायनेमिक EQ को अप्लाई करता हूँ जो 250 हर्ट्ज एंड 300 हर्ट्ज के बीच में होता है। वो बॉक्स की फ्रीक्वेंसीज होती है, उनको थोड़ा सा कट कर देना चाहिए। इसके मैक्सिमाइजर ने इसको 8 dB का गेन दे रखा है। आउटपुट लेवल्स को बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से करते हैं, जैसे कुछ लोग -1 dB रखते हैं बट मैं -0.1 dB रखता हूं अपने ट्रू पीक्स को, ताकि वो 0 dB को टच ना करे एंड कुछ भी क्लिप ना हो। बाय द वे, अगर आपको अपने ट्रैक में क्रंच चाहिए तो आप करेक्टर को बिल्कुल 0 कर सकते हो, बट थोड़ा सा लिटिल बिट डिस्टॉर्शन आपको फील होगा। ऑल्दो बीट काफी ज्यादा हार्ड लगती है जब इसे करते हैं, बट ये बहुत कम जगहों पर यूज होती है ऐसी चीज, जहां पर आपको एक्चुअल में डिस्टॉर्शन चाहिए वहां पर ही आप इसका यूज करें। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ट्रैक्स बना रहे हो, जैसे बॉलीवुड ट्रैक्स हो गए या फिर कोई भी स्मूथ सा ट्रैक जिसमें बहुत अच्छी सी वाइब है, उसके लिए आप करेक्टर को एनहेंस कर दीजिए अराउंड 5। तो ये क्या करता है, जो उसके डायनेमिक्स होते हैं उनको काफी ज्यादा स्मूथ बना देता है। यहाँ पर हम इसे रखेंगे अराउंड 2 के नजदीक, क्योंकि ये जो बीट है ये एक्चुअल में फ्रीस्टाइल ओल्ड स्कूल हिप हॉप टाइप है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन तो चाहिए। ओके, सबसे पहले जो यूज करता है ये ओजोन मास्टर रीबैलेंस। यहाँ पर आप वोकल्स, बेस एंड ड्रम्स पर अलग से काम कर सकते हो, बट यहाँ पर जो वोकल्स है एक्चुअल में ये मिड फ्रीक्वेंसीज है जहां पर हमारे मेन इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है। इसने इसको 3.5 dB का गेन दे दिया है, जबकि मुझे यहाँ पर इसको -2 dB करना है क्योंकि ये काफी ज्यादा लाउड है। एंड ये जो टेक्निक है वो काफी हायर लेवल के प्रोड्यूसर यूज करते हैं, क्योंकि जो आपकी बीट है
जब भी कोई आर्टिस्ट उस पर रैप करना चाहता है या ट्रैक बनाना चाहता है तो उसको अपने वोकल्स की जगह पर थोड़ा सा उसे इंस्ट्रूमेंट को आप कम कर सकते हो ताकि उसके वोकल्स जो है वहां पर परफेक्टली फिट बैठे। हालांकि ये चीज बाद में मिक्सिंग में भी की जा सकती है, बट अगर आप पहले से कर देते हैं तो थोड़ा सा ईजी रहता है। यहाँ पर हम इसे अराउंड -2 dB का भी काफी ज्यादा स्मूथ साउंड कर रहा है एंड ब्लेंडेड साउंड कर रहा है ड्रम्स के साथ। का जो AI है वो चाहता है कि कंप्लीट स्पेक्ट्रम को फुलफिल करे। यहाँ पर मैं इस पैन प्लगइन का यूज करूंगा स्पेक्ट्रम देखने के लिए। बाय द वे फ्री प्लगइन है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं इसका स्पेक्ट्रम अगर चेक करता हूँ तो आप इसका अगर स्पेक्ट्रम देखोगे फुल स्पेक्ट्रम तो ये काफी बैलेंस्ड है। यहाँ पर कोई भी आपको ऐसे बहुत ज्यादा डीप गैप्स नहीं दिखेंगे, जो कि एक अच्छे ट्रैक की निशानी भी है। जब आपका कंप्लीट स्पेक्ट्रम एक ही लाइन में आ रहा हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रैक काफी अच्छा साउंड करता है। मतलब उसमें जो फ्रीक्वेंसीज है वो सारी फ्रीक्वेंसीज फुलफिल्ड है एंड वो काफी अच्छा साउंड कर रहा है। एंड यहाँ पर आप इसको टॉगल भी कर सकते हो, पास थ्रू से हमारे स्टूडियो मॉनिटर्स ऑन हो जाएंगे। यहाँ पर हम अपने मोबाइल को म्यूट कर लेते हैं। हम इसको फाइनल सुनते हैं। So, मेरे को तो हंसी आ रही है कि मास्टरिंग से पहले ये कैसा साउंड कर रहा है एंड मास्टरिंग के बाद ये कैसा साउंड कर रहा है। तो यही होता है मास्टरिंग का एक्चुअल में वर्क। पहले आपके मिक्स को अच्छा होना होगा, फिर जाके मास्टरिंग अच्छी होगी। अगर आपका मिक्स सही नहीं होगा तब आप ये कुछ भी कर लो, अगर आपकी साउंड कोई फट रही है, कोई अजीब साउंड कर रही है, तो वो और ज्यादा करेगी, क्योंकि मास्टरिंग का मेन पर्पज है आपके ट्रैक को लाउडर करना। तो यही थी मेरी मास्टरिंग चेंज जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करता हूँ। जस्ट ओजोन को यूज करता हूँ मैं, उसके बाद अपने हिसाब से थोड़े थोड़े ट्रिक्स करता हूँ कि कौन सी चीज कैसी रहेगी। हालांकि हर एक बीट हर एक सॉन्ग के लिए डिफरेंट टाइप की मास्टरिंग रहती है, बट मेन ओवरऑल यही रहता है कि कैसे करना है, EQ को कैसे अलाइन करना है, फिर स्टीरियो सेपरेशन कैसी रहेगी, आपकी डायनेमिक EQs आप कहां पर यूज करेंगे, फिर कंप्रेशन एंड मैक्सिमाइजर। हालांकि अभी भी ये डीपली मास्टरिंग टेक्निक्स नहीं मैंने बताई, मैं जस्ट आपको बस एक बेसिक ओवरव्यू देना चाहता था कि मेरा मास्टरिंग करने का कौन सा तरीका है। इन फ्यूचर हम मास्टरिंग पर भी एक मास्टर क्लास लाएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे न्यू वीडियो में इस तरीके से, तब तक के लिए बाय।